आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूनिट टू टीम वर्क। ओके, टीम वर्क मतलब साथ मिलके काम करना। तो आप लोग भी आपके फ्रेंड्स के साथ साथ मिलके काम करते ही होंगे, है ना? तो चलो देखते क्या है। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स, मतलब क्या आप पसंद करते हो खेलना कोई भी काम एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना, खेलना पसंद करते हो? तो यहाँ पे हमारे जो स्टोरी है, चलो देखते कोई, ये देखो पिक्चर में दिया है कैसी किस तरह साथ में मिलके सब खेल रहा है ना। तो चलो लेट्स सिंग एंड डांस, मतलब यहाँ पे जो एनसीईआरटी के बुक है यहाँ पे क्या गया है कि सिंग एंड डांस, मतलब ये जो कि सिंग करते हुए डांस करते हुए ये बोलना। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरी वन, मतलब टीम वर्क मतलब साथ मिलके काम करना है ना, साथ मिलके काम करो। और अगर टुगेदर मतलब सब मिलकर, तो आप सभी लोग अगर मिलके काम करोगे एक टीम बन के, है ना, तो आपका कोई भी काम मतलब ड्रीम जो है वो पूरा होगा। ओके, ड्रीम वर्क जो भी है वो पूरा हो सकता है, या आप कोई भी काम साथ में मिलकर एक ड्रीम वर्क बन के काम करो, है ना। और वो साथ में मिलकर जब वो काम करोगे तब बहुत मतलब इतना ज़्यादा खुशी होगा, है ना, जॉय, तो वो सबके साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आप वो काम साथ में मिलकर किए हो, इसीलिए सबके साथ वो जॉय करना है ना, शेयर करना है वो खुशी। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप, बट इफ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स एंड दे रियली रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। तो बैटन मतलब छड़ी, ठीक है। तो बास्केटबॉल जब खेलते हैं तब ग्रुप बनते हैं, है ना, तो अगर कोई नहीं रहेगा आपके पास में तो वो कौन पास करेगा? तो कैसे खेलते बास्केटबॉल, एक पास करते हैं, एक दौड़ता है, फिर एक बास्केट के पास रहता है खड़ा, फिर उसको पास करते, फिर वो हुप के अंदर डालते, थ्रो करते, यानी हुप मतलब वो जो बास्केट जिस पर डालते हैं ना, नेट से बना हुआ होता है ना, वुडन से या आयरन से बना हुआ जो घेरा होता है ना, वो होता है हुप। ओके, जिस पर बॉल जो है बास्केट पर डालते हैं तो उसको कहते हैं हुप, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई नहीं रहेगा तो वो पास करने वाला कोई नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो इसीलिए क्या होता है, तो साथ में मिलके खेलते ग्रुप बना के, तो एक पास करेगा, एक दौड़ेगा, है ना, तो इसीलिए साथ में मिलकर काम करना चाहिए। We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. मतलब अगर कोई भी काम पार्ट्स बन के नहीं करे, पार्ट्स बन के नहीं करे पूरा सब मिल के करे तो वो काम पूरा हो सकता है ना, एक ग्रुप बन के करे तो वो होल मतलब वो काम होल बन जाता है, पूरा होता है, ठीक है। और आपके आँखों में जो कॉमन गोल है, गोल मतलब आप जो बनना चाहते हो बड़े होके, है ना, एक एम्बिशन जो आपका है, सपना, तो वो काम क्या होगा, वो पूरा होगा, ठीक है। मिलजुल के पूरा ग्रुप बना के साथ में मिलके करोगे तो वो कॉमन गोल बन जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम्स क्या है, आप और मैं अगर साथ में जुड़ जाए, प्लस हो जाए, है ना, तो वो काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है, और वो आपका जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि स्कूल में आपके कोई भी प्रोजेक्ट दिया है, मिला है टीचर ने क्लास में, तो आप अगर साथ में मिलके करोगे, एक टीम वर्क बन के करोगे, तो वो काम क्या होता है, पूरा हो जाता है। अगर आप अकेले करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। पार्ट्स मतलब हिस्सा एक बनने से अच्छा एक ग्रुप बना के, है ना, करे तो वो काम क्या होता है, होल हो जाता है, ठीक है, एक होल बनता है, यानी पूरा होता है वो काम, ठीक है। और जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट देते हैं वो आप ग्रुप बना के करते हो तो वो काम क्या होता है, पूरा हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर टीम वर्क कम्प्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है।
तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। चलो देखते हैं क्या क्या न्यू वर्ड सीखा है हमने। जैसे कि टीम वर्क। टीम वर्क तो आपको पता ही है, साथ में मिलकर काम करना, ठीक है। कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, ये आपको बोलना है और लिखना भी है, ठीक है। होप। होप तो मैंने कहा आपको वुडन का बना हुआ या आयरन का कोई भी एक रिंग होता है जिस पर नेट से बना होता है, घेरा बनता है, ठीक है। वुडन यहाँ पे क्या दिखा है, वुडन और आयरन रिंग ट्रैंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड, मतलब बच्चों के लिए लकड़ी का या आयरन का लोहे का एक रिंग होता है, ठीक है। पासिस मतलब मूव ऑनवर्ड, मतलब किसी को पास करना, ठीक है। रियली रेस यानी रेस बिटवीन टीम्स ऑफ व्हिच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जैसे एक बीच बीच में टीम बनते हैं ना, पार्ट्स बन के खड़े रहते हैं, डिस्टेंस बना के खड़े रहते हैं ना, एक एक दूसरे पे बॉल पास करते हैं, फेंकते हैं, है ना, वो उसको पास करे, फिर वो उसको पास करे, मतलब डिस्टेंस बना के रहते खड़े रहते हैं, तो वो है रियली रेस, रेस की तरह। तो बटन यानी शॉर्ट ट्यूब और स्टिक, करी यहाँ पे मैंने बोला कि बटन मतलब छड़ी, शॉर्ट ट्यूब, ठीक है, और स्टिक कैरीड इन रियली रेस, रेस में जो कैरी करके लेके जाते हैं ना स्टिक, वो होता है बैटन, ओके। तो यहाँ पे हमारा न्यू वर्ड जो है वो कंप्लीट होगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, रीड करना है। चाहे तो आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, इस न्यू वर्ड्स को स्पेलिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके ये चैप्टर में जो आगे का एक्सरसाइज है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करवाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से सुनना है, फिर आपको खुद से ये रीडिंग पढ़ना है, सेंटेंस को एक एक सेंटेंस को आपको खुद से लर्न करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से लर्न नहीं करोगे तब तक आपको रीडिंग पढ़ना नहीं आएगा, इसलिए कंपलसरी रीडिंग पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पहले सुन लेना, ठीक है, आराम से सुन लेना वीडियो को, समझ में आ गया है, फिर आपको धीरे मतलब रीडिंग पढ़ना है, ठीक है। आपको बुक पेज को ओपन करके फिर आपको रीडिंग पढ़ना है, ओके, थैंक यू।